गुजरात से एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आ रही है, जिसके अंदर एक ढाबा मालिक को अरेस्ट किया गया है एक ट्रक ड्राइवर की मौत के सिलसिले में। जी हां, क्या है ये बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस ड्राइवर की मौत हुई है उनका नाम है दविंदर सिंह और उसकी उम्र बताई जा रही है 26 से 28 साल। पंजाब के खडूर साहिब का ये रहने वाला शख्स था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गुजरात के अंदर एक गुजरात की ही गाड़ी ये चलाता था। जिस दिन इसकी मौत हुई उस दिन ये गांधीधाम गुजरात के अंदर जगह है, वहाँ से वडोदरा जा रहा था गाड़ी लेकर। NTC ट्रेलर नाम की कंपनी में ये काम करता था, ट्रेलर चलाता था उनका और टरबाइन लोड थी ट्रेलर के ऊपर। उस दिन जब ये गाड़ियां गांधीधाम से चली वडोदरा के लिए, तब दविंदर सिंह की गाड़ी अकेली नहीं थी, इसके साथ और भी ट्रेलर थे। और 12 नवंबर को ये तमाम गाड़ियां जो थी वो मुंद्रा रोड के ऊपर एक ढाबा है सतलुज पंजाबी ढाबा के नाम से, वहां पर ये गाड़ियां रुकती हैं। मौरबी का एरिया इसे कहा जाता है, तो वहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ पर सबने खाना वगैरह खाया और उसके बाद जो बाकी की गाड़ियाँ थी वो वहाँ से निकल गई। लेकिन दविंदर सिंह कहीं भी मौजूद नहीं था, तो ज़्यादा इंतज़ार किए बिना बाकी की गाड़ियाँ वहाँ से चल देती हैं। इसके बाद हुआ ये कि ये सारी गाड़ियों को 13 तारीख को वडोदरा पहुंचना था, बाकी की गाड़ियां 13 तारीख को वहां पर पहुंच जाती हैं, लेकिन दविंदर सिंह की जो गाड़ी होती है ट्रेलर होता है वो वहां पर नहीं पहुंचता। तो कंपनी सबसे पहले तो अपने GPS के जरिए वो गाड़ी को ट्रेस करते हैं कि गाड़ी है कहाँ, तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी अभी भी मौरबी का जो ढाबा है, ये सतलुज पंजाबी ढाबा है, वहीं पर खड़ी है। तो कंपनी के ऑफिशियल सीधे वहां पर नहीं पहुंचते हैं, वो पहले पुलिस के पास जाते हैं। 14 तारीख को पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और जो पुलिस पार्टी है वो सीधा इस ढाबे के ऊपर पहुंचती है और वहां जाकर पूछताछ करती है। पहले तो जो ढाबे के कर्मचारी हैं वो सभी लोग ये बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जब पुलिस अपने स्टाइल से जो ढाबे पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनसे पूछताछ करती है, तो इमीडिएटली जो वर्कर हैं वो मान जाते हैं और पूरी जो कहानी है इस ड्राइवर की मौत के पीछे वो बता देते हैं। जी हाँ, दविंदर सिंह की मौत हो चुकी थी तब तक, इसी वजह से वो नहीं मिल रहा था किसी को भी और इसी वजह से इसकी गाड़ी वहां पर खड़ी थी। जो इन्फॉर्मेशन वर्कर्स ने दी उस हिसाब से पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस ढाबे के मालिक, जिसका नाम कुछ लोग अमरजीत सिंह बता रहे हैं और कुछ लोग लखा सिंह बता रहे हैं, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये जो मालिक है, ढाबा मालिक है, इसके कुल 12 से 13 ढाबे सिर्फ गुजरात के अंदर ही मौजूद हैं और तमाम जो ज़्यादा ढाबे हैं वो हाईवे के ऊपर ही स्थित हैं। तो इसके बाद जब ढाबा मालिक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गई और वहाँ जाकर पूछताछ की, तो ढाबा मालिक ने ये बताया कि हमारे ढाबे के पीछे दविंदर सिंह की लाश पड़ी हमें मिली थी, हम लोग घबरा गए कि पुलिस आएगी हमसे पूछताछ करेगी, इस वजह से हम लोगों ने एक बलेरो गाड़ी के अंदर दविंदर सिंह की लाश को डाला और वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक साल्ट पॉन्ड में फेंक दिया लाश को गलने के लिए। और उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली तो पुलिस ने इमीडिएटली उस साल्ट पॉन्ड के पास पहुंचे और वहां से जो लाश थी उसको रिकवर कर लिया। साल्ट पॉन्ड के बारे में हम आपको बता दें कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं मुंद्रा की, ये गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्री तटीय इलाका है और यहाँ पर नमक की प्रोडक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा नमक बनता है और जो पॉन्ड होते हैं वहाँ पर पानी, खारा पानी मौजूद रहता है और नमक होता है काफ़ी सारा। इसी वजह से जो दविंदर सिंह की लाश थी उसको वहाँ पर फेंका गया ताकि कुछ दिनों में ही उस नमक के चलते उसकी जो लाश थी वो गल जाए और कोई भी सबूत जो पुलिस को या किसी और को ना मिले। ढाबा मालिक ने जो ये कहानी बताई वो काफ़ी हद तक सच थी, लेकिन एक बड़ा सच वो था जो अभी तक ढाबा मालिक ने नहीं बताया था। वो बात ये थी कि असल में ये जो ढाबा मालिक है ये नशे बेचने का काम करता है अपने ढाबों के ऊपर। जी हाँ, इसी वजह से जो दविंदर सिंह था उसने वहाँ से नशा खरीदा और शायद उसने ओवरडोज कर लिया, ज़्यादा नशा ले लिया। जो हमें बाकी के ड्राइवर फ़ोन करके जिन्होंने बताया उनका वर्जन हम आपको बता रहे हैं, उनके हिसाब से दविंदर सिंह ने नशा ज़्यादा कर लिया जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसी वजह से ढाबा मालिक ने उसकी लाश को देखकर पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि पुलिस को अगर बुलाते तो उनका पोस्टमार्टम होता और जो नशे की कहानी थी पूरी बाहर आ जाती। इसी डर से दविंदर सिंह की लाश को सॉल्ट पॉन्ड में फिंकवा दिया गया इस ढाबा मालिक के द्वारा। जो हमें FIR की कॉपी मिली है उसके हिसाब से इस ढाबा मालिक के ऊपर NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा IPC की धारा 304, 201 और
114 के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पुलिस ने जब इस ढाबे के ऊपर रेड करी तो उसके बाद वहां से 10 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद हुई। जी हाँ, यही ब्राउन शुगर खा के देविंदर सिंह की मौत भी हुई थी और यही ब्राउन शुगर लगभग 10 लाख रुपए की वहां से बरामद हुई। तो बेशक गुजरात पुलिस ने इस केस के अंदर ठीक ठाक काम किया है, उस ढाबा मालिक को अरेस्ट भी कर लिया गया और उसके बाद जो डेड बॉडी थी देविंदर सिंह की उसको भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन फिर भी गुजरात पुलिस की कारगुजारी के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह अभी भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद भी देविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ट्रांसपोर्ट टीवी ने कई बार उनसे गुजारिश की कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें भेजिए, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई है। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो टाइम से नहीं आती है या फिर सही नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि जो ढाबा मालिक है वो इस केस में से बचकर निकल जाए। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि क्योंकि जो लाश थी उसको सॉल्ट पाउंड में फेंका गया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लाश है अभी भी सड़ गल चुकी है। हम आपको फोटोग्राफ्स चैनल के ऊपर नहीं दिखा पाएंगे। और इसके बाद दूसरी बड़ी बात यह है कि गुजरात पुलिस को पहले इसके बारे में क्यों नहीं पता चला कि एक ढाबा मालिक शरेआम जो है ब्राउन शुगर हाईवे के ऊपर बेच रहा है। और ये जो एरिया हम आपको बता दें कि ये कोई ऑर्डिनरी एरिया नहीं है गुजरात का, ये एक वीआईपी इंडस्ट्रियल स्टेट आप इसको कह सकते हैं। मुंद्रा का जो एरिया है यहाँ पर एक पोर्ट है, एयरपोर्ट है, इसके अलावा कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं। उसके बावजूद शरेआम किस तरह से एक ढाबा मालिक जो है वहाँ पर नशे का कारोबार चला रहा है। इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस ढाबा मालिक के बताया जा रहा है कि 12 से 13 ढाबे और भी हैं, तो पुलिस को चाहिए कि तमाम ये जो ढाबे हैं वहाँ पर रेड की जाए और इन ढाबों को बंद किया जाए। कुल मिलाकर ड्राइवरों का नशा करना और ढाबा मालिकों का नशे के कारोबार में शामिल होना पूरे ट्रांसपोर्ट जगत के लिए एक बहुत ही शॉकिंग और एक बहुत ही निराश कर देने वाली खबर है। आप किसके बारे में क्या राय है, क्या आप और भी ऐसे ढाबों के बारे में जानते हैं जहां से नशे का कारोबार चलाया जाता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।